ना तेरी नीला का ना पाया कोई प्यार। बारिश ओ ढक भी गया शायद। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आई होप आप लोग घर पे मस्त होंगे और भले जंगे होंगे और सुबह सुबह का दिन और सुबह सुबह में आप सबको राम राम। और आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी अभी मैं नहाकर जो है मैंने करी है पूजा और पूजा करने के बाद अभी मम्मी काट रही है मेवा। मम्मी का देखना हाथ कितना मोटा हो रहा है। मम्मी ने जिम जाके अपने हाथों को भी मोटा कर लिया। डोले शोले बना रही हो हैं? अभी मैं खाऊंगी एक टैबलेट। टैबलेट क्यों खा रही? मोबाइल खा लो ना, टैबलेट थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। गोली टैबलेट वो ना तुम्हारी टैबलेट तो उसको दवाई कहते हैं। तो उसे मेडिसिन भी कह सकते हैं। ओके, हम पढ़े लिखे नहीं है भैया, गमार हैं। सही से काटो, चलो बारीक बारीक कटने चाहिए। बारीक बारीक ही काट रही। दो तरह की कतली बनाऊंगी, हरीरा बनाऊंगी। अरे भर के बनाती हूँ ऐसे बाल्टी बाल्टी। मेरे बादाम ले लियो माँ में। हाँ हाँ, दो दो मुट्ठी में लेने का आती हूँ हर चीज में। तुम ले लियो, मैं बादाम ले लियो, हरीरा बना दियो। मिला अलग तो बना दो भले ही। तेरी कसम बढ़िया से बनाऊंगी। और सब चीज। और ये बांटने वाटने का सिस्टम हटाइयो। हम जैसे मैं बनाऊं ये बांटना बांटना जरूरी होता है। प्रसाद होते, प्रसाद तो जितना बांटो उतना अच्छा होता है। हमारे पास है कितने घर, थोड़े से घर है। चार आना वाली है ना। और सुनो, आज मैं ना जो बनाऊंगी बहुत लोगों को आती है, बहुत लोगों को नहीं आती बनानी। नहीं आती तो एक आध रेसिपी जैसे कि निकाल के उसमें से हरीरा की है, की है थोड़ी थोड़ी कैप्चर कर लेना कैसे कैसे बनाइए। और कुछ मैं अपने फोन से कर लूंगी। और पहले याद दिला दो तुलसा जी अभी तोड़ लियो, नहीं तो सही होता है कि तुम बगल वाली आंटी के यहाँ आ रही हो, बगल वाली आंटी यहाँ आ रही है। होता है जब संडे पड़ता है तब तुलसा जी नहीं तोड़ते, इसलिए थोड़ा भूल जाते हैं। आज संडे थोड़ी ना है। ना तीन चार बार रह चुका है ना। रात में नहीं तोड़ते, रात में रात में याद आता सवन ने। दोपहर में भोग लगाऊंगी ना शाम के टाइम, तो भगवान जी को मैं याद दिला दूंगा। अभी तो हमारे भगवान जी बैठे हैं ऐसे करके। मैं काट रहा हूँ बादाम और थोड़े बाद बादाम तो मैंने काट दिए। अब सामने की तरफ लाते हैं कैमरा और सब जल्दी से काटते हैं बादाम को। ये मेवा तो यहाँ पर रख दिए। याली मेवा कौन सी वाली है जी? कायम डलेगी कतली जी, कतली के लिए। और चरने में तरह की कतली, एक पूरे सब मेवा मिक्स वाली और एक गोला की और नीम की खरबूजे की नीम। हाँ हाँ। एक बनाऊंगी हरीरा। और मैं जो काट रहा हूँ बुकाई के लिए हरीरा के लिए। और मैंने अपने में से भी दे दिए क्योंकि मेरे को हरीरा ज्यादा ही पसंद है। और अपना खोआ भी बन के रेडी हो चुका है घर का एकदम प्योर। कतली में पड़ेगा ना जी, एक में जो मिक्स मेवा की बनेगी ना। हाँ हाँ पड़ेगा। अच्छा, बाहर से मंगाओ तो बाहर से मिलावटी आती है, इसलिए खुद ही बना ले। और सिम्मी अपना पूरा गुस्सा इस बोतल में निकाल रहे हैं क्योंकि हमने सिम्मी को वो नहीं दिया खाने के लिए, काजू नहीं दिया और वो नहीं दिया। और का खाते हैं? काजू ना खाती, जैसे कि गोला खाता है। हाँ, गोला और वो नाम मखाने। हाँ मखाने और गोला खाती है। अब तो चाहेंगे हमें बस सब दे दो और काबू मत दो ना, कछु बनाओ इन्हें दे दो। तो बारिश का मौसम नहीं है, मतलब हमको रात में मून देखने को मिल सकता है पूजा के टाइम क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा साफ है। पर मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, ऐसा मौसम हो जाए इतने सारे बादल आ जाते हैं। अरे हमें चंद्रमा के लिए अर्घ लगा फिर खूब बरसों आए जाएंगे। दो तीन साल से जी है और लगा ही ना पा रहे। और ये जिसमें देखो जिसे गोला मांग रही है। और जल्दी से जल्दी हमको सब काम निपटाने हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:25 और उससे पहले हमको 2 बजे पहले पहले सब काम निपटाने हैं। तो थोड़े बहुत तो कट चुके हैं। अभी काजू काटना को काटने के लिए दी थी वो तो मैंने काट दी है। और मम्मी अब यहाँ पर काट रही है मखाने और मैं इसको रखने जा रहा हूँ किचन में। और खोआ भी मम्मी ने बनाकर रेडी कर दिया है, बस अब बनना बाकी है दही के आलू। मम्मी दही जमा लो तुमने?
हाँ सही है, तो वो कूटू के आटू की वो ही ना बना लो, आलू वाली पकौड़ी जैसे बेसन की बनते हैं ऐसे पूट वो वाले मंगा लो, अच्छी लगते हैं तो ना, अच्छी लगता है, अच्छी बात है। अगर बीसू को टाइम मिल जाएगा तो वो बना लेगी, क्योंकि अगर मैं बाहर में लग जाऊंगी तो मैं इन चीजों के लिए लेट हो जाऊंगी। अच्छा हाँ, अभी टाइम हो रहा है 2:04। कर सको तो एक काम कर दो, प्लास्टिक की चलनी आते ना आटे वाली, वो ले आओ यहाँ कहीं दुकान पे मिल जाएगी। अच्छा वो जाके हमारे कुटू का आटा तो उछल जाएगा, और दिवाली में कितनी साफ करूंगी मैं, पहले से धोके रखती हूँ, कल हम चले गए वहाँ बाहर, तो मैं धो ना पाई, तो धोके मैं सुखा देती हूँ पहले ही, और फिर आटा उछाल के रख देती हूँ। अच्छा है ना, हाँ तो वो ले आ रहा हूँ मैं, रख जाएगी, ले आऊंगा थोड़ी देर बाद ले आऊंगा, है ना। और सही टाइम पे कट गए सब रे चीजें, कट गई अब जे बस अब नहाते जाओ, पूजा करते जाओ, बनाते जाओ। मैंने पूजा कर ली, तू नहीं तो कर ले। अभी खाने में क्या बनाओगे, दही के आलू कह रही हो, वैसे पकौड़ी बन जाती मैं आते। तो दोनों चीजें बन जाएंगी, क्या बात है। सही है, कृष्ण भगवान जी को तो जन्म जाई कुमार, खाओ खूब मौज करो, फलाहार की चीज खाओ, करेंगे व्रत, भगवान जी हैवेगी खुशी तो जाइए, खूब खाओ। ओ तेरी तो सिलेंडर वाले भैया के साथ काम पे लगवा दूंगी, नहीं रखते। और बाकी की हमारी मेवाई बन चुकी है, तो बताना कि आपके यहाँ पे भी इतनी क्वांटिटी में मेवा कटके और इतनी सारी जो है कतली वगैरह बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बनती है, और कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आप क्या बनती है नहीं बनती। ये बाल कहाँ से लिया इन तुम, ऐसे घुमा दो, बन भी गई, और देख जमी कैसे है वो तेरी। ये दूसरी की तैयारी है जी, गोला और मींग यानी खरबूजे के बीज की है, और ये सब मेवा मिक्स है, ये ड्राई फ्रूट वाली है। अच्छा कैसे बोलूं, और ये हरीरा का सामान रखा है, इससे हरीरा बनेगा, फ्रिज में रख दिया है मैंने, चरणा में रखा सब। मेरी फेवरेट चीज तो यार वही है जो तुमने सबसे लास्ट में भेजी है, बोली है चरणा में, बहुत पसंद है मुझे। तुम जा बड़ी वाली डोलची भर के बनाओ, बड़ी वाली डोलची भर के बनाओ, कहाँ बचाओ बिल्कुल। वो तो सही में साहिल तो जे समझता है कि सब बन जाए और मैं सब 2 मिनट में उड़ा दूं, सही में तो ये साल बन, तू तो साल में एक ही बार है यार, ऐसे बना चाहे कबूल है, लेकिन जो मजा आ जाता है वो कबूल आता। काना जी खाने आएंगे लेकिन का है, हम अपने मन से भूख लगाएंगे कि हाँ वो खा गए। कब तक चलानी है, जब तक 2 तार की चाशनी ना हो जाए, ऐसे करके देखो जब तक 2 तार ना आ जाए, जब तक वो आ गई ना, भी मैं देखने चली गई इतनी देर में। कितनी सुंदर लग रही है ना डालती, सुंदर लग रही, दिखा रही है बहुत। अच्छा। मैं की वो एक तो उसकी एलर्जी है ना, घमोरी सी हो रही है, और उतनी माला पहन गई है वो, आंटी उतार दो जी, मेरी बात बहुत मानता है डालची, मेरी गोद में बैठ जा, तुरंत बैठ गई डालची, मेरे से फोटो खिंचा ले, ऐसे कर डालची ऐसे कर, मैंने जी बनाई है ना बाकी ने, ऐसे करके डाल के देखा तू या मैं, और चाहे कोई ना जानता ना, तो जा मैं पूरे में सफेद सफेद से झाग भर जाए, फिर जा मैं डाल के देख ली थोड़ा सा पानी में, पानी में डाल के देख ली, पानी नीचे जम जाएगी, अच्छा नीचे बैठ जाएगी देखो। एक प्लेट खा ले गए, उठा के दी गई हूँ मैं पहाड़, अच्छी जमी लगती है मुझे, जम जाए बढ़िया तरीका से, गीली गीली से तो चम्मच से खाते बना लेती, लेकिन ऐसे जमी हुई बहुत सुंदर लगता है, गीली गीली सी तो चम्मच से खाते रहो ना, बेकार भी लगती है वो, मैं तो आज तक ऐसी बोई ना करी, खोए की फैलती है ऐसे, अब तुम सीख है ना, खोए की फैलती है ऐसे, तुम हो तो मैं क्या करूंगी सीख के। अच्छा अभी तुम्हारी शादी वादी है जाए, मेरी सास बना लेगी, और सास नाथ हुए, मेरी सासू माँ जी बना लेंगी, ओहो। सास
सासू माँ जी, अरे तेरी साहिल ना है, वो तो आप भूचाल है, बवंडर समझ लो है, आतो है, बवंडर की तरह हरकतें करता है, चलो यहाँ तो है घूम के ही आता है, ऐसे घूम करके ऐसी बालक अपने दिमाग के हिसाब से चलता है वो, मूड हो तो आज सब कुछ करा लो, प्यार से सब कुछ करा सकते हो, अब वो तो प्यार ना मानते वो। अब इन्हें जमा दूंगी ऐसे ही, फिर बाद में दिखाऊंगी, दिखाओ ना जमा के, बाद में जम ना, अभी इसमें डालूंगी, थोड़ी टाइम लगेगा। ठीक है, मम्मी कर रही हैं दही आलू और हमारी कतली भी जितनी भी है सूख गई हैं, और बाकी का जो मेवा वगैरह बची है वो से बनेगा हरीरा, और क्या बनेगा, चरण चरणामृत, हाँ, जिसमें किसने जी को डुबाया जाएगा डुबाया जाएगा नहीं निलाया जाएगा, डुबाते ही तो हैं, निलाते हैं। अच्छा अच्छा, हे भगवान, ओ भाई आली कतली भी बन गई, सही है, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी कतली याली लगती है, और ज्यादा मेवा वाली याली, और सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है हरी रा। आ, आ, आ। और 4:40 और हमारा आधा काम तो हो चुका है और आधा अभी बाकी है, और अभी तक हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पर अब खाएंगे दही आलू। मून निकलने की पूरी पूरी आशंका है क्योंकि सूरज बहुत ही अच्छे तरीके से चमक रहे हैं, है नजर मार दे ना, अब ना जा रहे, अब तो वही रंग जगह कर रखो तुमने, अरे हरीरा को बोए, अच्छा अच्छा, नहीं छोड़ो, छेड़ो मत, छेड़ो मत, छेड़ो मत, देखना घर का दही इस बार कितना खतरनाक जमा है, ये मक्खन है ऊपर, हैं अभी जो चला के भगवान जी को भोग लगावे के लिए माखन मिश्री निकालूंगी ना। अच्छा अच्छा, अरे तुमने मिश्री वाली तो ना मंगाई, फिर जो रह गई कहाँ है अब मिश्री, रहेगी तो कोई बात ना, क्योंकि मैं चीनी लगा लूंगी, हाँ चीनी लगा लूंगा, सब चीज दे ली, ये भी गोली वाला खाना भी दे दिया, पेडिग्री दूध भी दे दिया, व्रत वाले आलू और दही लाई हूँ, देखूंगी ये खाएगी कि नहीं। खा लो, है ना, ना इसने रोटी और दही खाए, वो खाए और दही हाला खट्टा होगा, चप चप कर रही हो, पांच ही तुम अपना खा लो, मैं भी खा लेता हूँ जी, दही आलू ले लिए हैं, और ये इतने कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने दूसरी बार में लिए हैं, पहली बार में तो भाई बैठ के तुरंत ही खा गया, बहुत ही आती भूख लग रही थी, तुमने खा लिया, बखेड़ा बिखर रहा है वो दिखाओ, बखेड़ा हमारा, बखेड़ा कहाँ यार, कतरी बतरी है अपनी, हो रहा है 7:44 और मम्मी ने सारी कतली वगैरह बना चुकी है, और कतली ये रही, ये रहा चन्नव्रत, और ये रही, बताओ बताओ क्या है ये, हरीरा जो कि मेरा फेवरेट है, और हमारे घर पे आई हुई है एक नई टीवी, तो वो तो मैं आपको कल दिखाऊंगा, जैसे मेरा आईफोन है ऐसे ही सेम है, वो वर्क करती है, बस उसमें हे गूगल बोलना पड़ता है, कुछ बोलना चाहोगे, मैं तो पता ना कितने दिन में चलाना सीख पाऊंगी, इतने दिन में तो भाई चलाना सीखी, फोन है यहाँ, मैं बस बोलते रहो, बस अब इंतजार है 12 बजने का, फिर उसके बाद टूट पड़ेंगे खाने पे, ओ शहद मिल गो ना, शहद तुलसा जी और करेगा, कच्चा दूध उसका नहीं मिला, गाय का कच्चा दूध, अच्छा अच्छा, तो वो तुम्हें सुबह देखनी चाहिए, अभी जो दूध आवे वो ना बाबरी से डाल, हाँ 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 सही है ना। चंडमृत में जो है निला दिए हैं, और अब बन रही है हमारे खाने की व्यवस्था, क्या व्यवस्था है आज की, सब्जी तो जी बन गई, कूटू के आटे की पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी बना रही हैं दीदी पूड़ी।
खाने की प्लेट भी लग चुकी है और भैया भी हमारे साथ आ चुके हैं। मुट्टू की आटे की पूड़ी। चलो भैया पहले तुम शुरुआत करो। तुम भी बनाते हो? एक्चुअली मम्मी कल ना वो वाली बनाना जो पकौड़ी बनाता है ना। खाली दही आलू खाने तो उसके बाद तो और भी यार टेस्टी लग रही है। बारिश कितनी तेज जो है बूंदे जा रही हैं। जी कहते हैं भगवान जी ना अपने कपड़ा धुलवाते हैं इंद्रदेव से। अच्छा कितनी तेज बारिश से दिख रही है बहुत तेज है। एक किसी नेता ने कही है भाषण दिया है कि सनातन धर्म डेंगू मच्छर वगैरह की तरह हमारे सनातन धर्म को बताया है तो वो कान खोल के सुन ले। ऊपर इंद्रदेव जन्माष्टमी वाले दिन जरूर बरसते हैं। ये कोई जबरदस्ती बारिश नहीं कराई जाती और हम लोगों की मानना अंदर से आत्मा करती है कि आज बारिश जरूर होगी चाहे कितनी भी धूप निकले और बारिश हुई। और तुम जैसे लोग बोलकर बंद चुप हो जाते हो ना सनातनी उनकियों के बारे में यही सबसे बड़ा धर्म है हमारा कि हम तुम लोगों से कुछ नहीं कहते। नहीं तो सनातन में अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी बहुत है। 11:56 और अभी मम्मी कर रहे हैं कृष्णा जी की पूजा और लगा रहे हैं भोग। क्या बर्थडे मेरा सबको खाना खिलाया जा रहा है। पार्टी में आए सब भगवान जी। टाइम हो रहा है 12:08 और हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है क्योंकि चांद निकलने के अब कोई चांस नहीं है। तारे तो दिखाई दे रहे हैं पर साथ के साथ बादल भी दिखाई दे रहे हैं और अलीगढ़ का मौसम अभी चेक करा है तो वो बता रहा है 5:30 तक जो है बादल ही बादल रहेंगे और 7:30 जाकर धूप निकलेगी सुबह। प्रभु निकाल दो। तारा तो है दिखाई तो दे रहा है हल्का हल्का। पूजा भी खत्म हो चुकी है और अब हम लेने जा रहे हैं कृष्ण जी के भोग का सारा खाना अपने के लिए खाने के लिए। हरिया में लो मम्मी ने मेन चीज तो मेरे कमरे में ही रख दी। खाने के लिए लेने जा रहा था हरिया और चने मिरात और देखने को मिल गया। बारिश भी हो गई। ढक भी गया शायद। बारिश भी हो गई। हाँ हल्का हल्का ढक गया। निकल आया। बहुत बहुत आभार प्रभु बहुत बहुत आभार। ये खाने में ले लिया है हरीरा और चनव्रत और इसी के साथ इसी व्लॉग को करते हैं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग का व्लॉग को लाइक करना शेयर करना कमेंट करके बताना कैसा है व्लॉग। और फाइनली चांद निकल ही गया तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।